हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी 24 अगस्त 2020 की वर्कशीट संख्या 22। और आज का हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रमाण। इसे हम BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, और उसका विलोम भी, यानी हम दोनों ही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होती क्या है। तो बेटा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय क्यों कहते हैं? क्योंकि गणितज्ञ थेल्स जो हैं, उन्होंने प्रतिपादित की थी। तो कथन क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएँ एक अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, मान लीजिए हमने एक त्रिभुज लिया, जो इस ढंग से एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज ले लिया ABC। अब ज़रूरी नहीं मैं AB का भी मध्य बिंदु लूँ और AC का भी मध्य बिंदु लूँ। मैंने BC के समांतर एक रेखा खींचनी है, मैंने यहाँ पर BC के समांतर एक रेखा खींच दी EF। तो ये जो समांतर रेखा है, जो AB को E पर प्रतिच्छेद कर रही है और AC को F पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये इन भुजाओं AB और AC को जिन दो भागों में बांट रही है ना, उनके अनुपात बिल्कुल समान होते हैं। यानी AE बटा EB जो है, वो AF बटा FC अनुपात यही होता है ना। इन अनुपात, ये दोनों अनुपात आपस में परस्पर बराबर होते हैं। और इसे हमें सिद्ध कैसे करना है, आज हम यही सीखेंगे। तो हम अब देखते हैं इसका, हमें इसे सिद्ध कैसे करना है। तो अब यहाँ पर क्या है, दिया है त्रिभुज ABC, जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक अन्य रेखा दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काट रही है। अब यहाँ पर हमें ये एक त्रिभुज दिया गया है ABC, और एक रेखा समांतर खींची गई है जो AB को D पे और AC को E पे काट रही है। ये है त्रिभुज ABC। अब जब यहाँ पर हमने इन्हें देखा कि इसे काट रही है और हमने समांतर रेखा खींची है, तो DE समांतर है BC के। हमें यहाँ सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रचना करेंगे, यानी अपनी तरफ से इसमें कुछ और ऐड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम कर रहे हैं C और D को हमने मिलाया, इन दोनों बिंदुओं को, इसी प्रकार B और E को भी मिला दिया। और उसके बाद क्या किया, ये जो हमारा त्रिभुज ADE ऊपर छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है ना, इसमें हमने DM एक लंब खींच दिया। लंब का मतलब है हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया इधर। और उसी प्रकार E से भी हमने AD पर एक लंब खींच दिया N। तो अब हमारी आकृति जो है कुछ इस प्रकार की हो गई कि ये जो है हमारा DE, हमने D से लंब खींचा M पर, और मतलब ये AE पर, और E से एक लंब खींचा EN जो हमारा AD पर है। अब हमें क्या करना है, हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और हमें फॉर्मूला पता है, क्षेत्रफल क्या, फॉर्मूला क्या है त्रिभुज का, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ क्या है, अगर हम एक बार AD को आधार लें तो ऊंचाई कौन है, EN, EN उसके लिए ऊंचाई है। तो फॉर्मूला हो गया हमारा 1/2 AD गुणा EN। दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, हमने AE जो है इसको आधार माना, तो इसके लिए ऊंचाई हो गई DM। ये हुई ना इसके लिए ऊंचाई, क्योंकि इसके ऊपर जो लंब खड़ा है वो इसकी ऊंचाई है, जो AD पर लंब खड़ा है वो उसकी ऊंचाई है। तो अब दूसरा इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो ADE का क्षेत्रफल है, वो हमारे पास एक और आ गया, जिसमें हमने क्या कहा उसे कि वो बराबर है 1/2 गुणा AE गुणा DM के बराबर। दोष आ गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हम इसी प्रकार नीचे जो हमारे हमने ये मिलाए हैं CD और BE, इनके लिए भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारी आकृति कुछ इस ढंग से है, ये रही हमारी समांतर रेखा और ये रहा DE,
और ये है ये बी ई और ये है हमारा डी सी। अब मुझे त्रिभुज चाहिए, जो क्षेत्रफल चाहिए वो चाहिए डी ई सी का क्षेत्रफल चाहिए, यानी इसका क्षेत्रफल चाहिए। जब मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूंगी तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार तो दिख रहा है कि ई सी है, लेकिन ऊंचाई कहाँ है इसकी? ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे? ऊंचाई हमें देखनी है, तो ऊंचाई हमने जो इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं तो इस पर कौन सा लंब है हमारा? जो डी एम वाला लंब है वो है ना स्पिलम। तो हमारा हो गया फॉर्मूला डी ई सी का जो क्षेत्रफल है वो गया 1/2 गुणा ए सी गुणा डी एम। उसी प्रकार अगर अब मैं क्षेत्रफल लूँ इस त्रिभुज का, यानी बी डी ई का क्षेत्रफल लें, तो आधार तो बी डी हो गया। अब इसका लंब कहाँ मिलेगा? इसको आगे बढ़ाते हैं तो इस पर हमारे कौन सा लंब है? इस पे लंब है एन का। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा बी डी गुणा ई एन। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लंब जो है ये त्रिभुज से बाहर है, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है हमारा? अधिक कोण त्रिभुज, तो उसका लंब उससे बाहर है, उसकी ऊंचाई। तो त्रिभुज ए बी बी डी ई का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा डी बी गुणा ई एन, ए डी ई का हमें मिल गया ए ई गुणा डी एम, और एक मिला ए डी गुणा ई एन, और डी ई सी का मिला 1/2 गुणा ई सी गुणा डी एम। अब हम क्या करेंगे? इन जो त्रिभुजों के क्षेत्रफल मिले हैं इनका अनुपात लेंगे, यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, इनके फॉर्मूले लिख दिए 1/2 ए डी गुणा ई एन और 1/2 डी बी गुणा ई एन। यहाँ पर ई एन और ई एन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? ये भी कैंसिल हुए, ए डी बटा डी बी। और उसी प्रकार से ए डी ई दोबारा से, क्योंकि हमने दो बार लिया ना इसका क्षेत्रफल, ए डी ई बटा डी ई सी, और यहाँ पर हमारे पास ये और ये कैंसिल, डीएम डीएम कैंसिल, ए ई बटा ई सी आ गया। आप देख रहे हो त्रिभुज चुनते समय भी हमने ध्यान रखा है, हमने ए डी ई के नीचे डी ई सी नहीं लगाया, यहाँ पर बी डी ई या बी डी ई सी का रेशो नहीं लिया, एक बार ऊपर का त्रिभुज ए डी ई, फिर नीचे का एक त्रिभुज, फिर ऊपर का एक त्रिभुज जो हमारा है कॉमन, और फिर नीचे का ये त्रिभुज। तो अब मिल गया हमें रेशो ए ई बटा ई सी। आप ध्यान से देखें, ये भी ए डी ई तो ये भी ए डी ई, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे भी कैलकुलेट करें तो ए डी ई का क्षेत्रफल रहेगा तो वही, चाहे हम कोई भी आधार ले लें। तो यानी ये तो हो गए दोनों बराबर, लेकिन नीचे अब हमारे पास बी डी ई और डी ई सी है। तो बी डी ई और डी ई सी को ध्यान से देखें तो ये एक ही आधार यानी डी ई पर बने हुए हैं, और समांतर रेखाएं भी बराबर सेम हैं डी ई और बी सी। तो हमें 9th में हमने एक चीज़ और सीखी है थी कि एक ही आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो उस कथन को यूज़ करते हुए हमारा बी डी ई का क्षेत्रफल डी ई सी के बराबर हो गया, यानी ये बी डी ई और डी ई सी जो हैं ये भी बराबर हो गए। तो अब जब हमारे दोनों ही एरिया बराबर हो गए तो इसका मतलब ये ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी भी बराबर हो गए। तो इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि अगर हम त्रिभुज की तीसरी रेखा के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है तो वो उन्हें एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। इसी को हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। एक बार मैं आपको फिर बता रही हूँ कि हमें जो ऊपर हमारा त्रिभुज है ए डी ई, उसमें एक लंब खींचना है डी एम और एक लंब खींचना है ई एन। एक बार हम आधार ए डी लेकर इसका एरिया निकालेंगे, एक बार आधार ए ई लेकर इसका एरिया निकालेंगे। फिर हम आएंगे नीचे, यानी हमारा जो बी सी है बी को ई से मिला देंगे, सी को डी से मिला देंगे। एक बार हम एरिया लेंगे डी ई सी का, एक बार एरिया लेंगे डी ई बी का या बी डी ई का, और फिर उनका अनुपात निकाल के अपनी प्रमेय को सिद्ध कर देंगे। अब देखते हैं हमें आगे क्या दिया गया है। अब आगे है हमारे पास बी पी टी का विलोम, यानी ये जो हमारी हमने अभी प्रमेय सिद्ध की है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका अपोजिट।
अब हम कह रहे हैं यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अभी हमने कहा कि अगर तीसरी भुजा के समांतर है तो अनुपात समान होंगे। अब हम कह रहे हैं कि अनुपात समान है तो भुजाएं जो हमारी भुजा है वो समांतर होगी, जो भुजा उन्हें काट रही है। तो इसका मतलब किसी त्रिभुज एबीसी में यदि भुजाओं का अनुपात एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी हो तो डीई समांतर हो जाएगा बीसी के। तो ये हो गया बीपीटी का हमारा विलोम। अब इससे संबंधित हमें क्या प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें जो DE समांतर BC बना देगा। तो समांतर बना देगा इसका मतलब हमें उसे समांतर सिद्ध करना है, यानी हमारे रेशो बराबर हैं, अनुपात समान है। तो ये है हमारा x, ये है 3x जमा 4, उसी प्रकार यहाँ है x जमा 3 और ये है 3x जमा 19। तो यानी AD यानी ये बटा DB, तो x बटा 3x जमा 4 और ये x जमा 3 बटा 3x जमा 19, ये दोनों अनुपात बराबर होने चाहिए। अब इन्हें हम हल करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ गुणा होगा और ये पूरा ब्रैकेट इससे गुणा होगा और फिर समीकरण हल करना तो हमें आता है और वहाँ से हमें मान मिलेगा x बराबर 2। अब देखें हमें कौन सा प्रश्न हल करना है, दिए गए चित्र में DE समांतर BC है तो x का मान ज्ञात करें। अब हमें यहाँ पर ये त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, ये दिया हुआ है और यहाँ वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं हमें, ये x है और यहाँ पर ये दिया है 1.8, ये कितना है हमारे पास 7.2 और ये है 5.4। यानी अब हम अपनी BPT यूज़ करें, क्योंकि यहाँ समांतर दिया है तो हम BPT यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब AE बटा EB बराबर है AD बटा DC के, यानी 1.8 बटा 5.4 बराबर x बटा 7.2 के। तो x का मान ज्ञात करना है, 7.2 चला गया ऊपर गुणा में और नीचे रह गया 5.4, ये दशमलव और ये दशमलव कैंसिल, 18 एकम 18, 18 3 54, 3 एकम 3, 3 2 6, ये दशमलव और 3 4 12, यानी x का मान आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो देखा इसके संबंधित प्रश्न कितने इजी हैं, बस रेशो लिखा और वैल्यूज डाली और जो x हमें पता नहीं था उसका मान हमने ज्ञात कर लिया। तो अब बेटा त्रिभुज पाठ में जो NCERT में इससे रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं आपको वो हल करने हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।